जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस ख्याल रखना कि आपके मंजिल जाने का रास्ता किसी की दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। नमस्कार, मेरा नाम जय सिंह यादव, ओसन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम सुसाइड के बारे में बात करना करेंगे, जो सुसाइड यानी कि आत्महत्या, आत्महत्या क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो सुसाइड की घातक बीमारी से जो बच गया हो या फिर बच रहा हो। इस सभी देश इससे परेशान है, इस आत्महत्या की घातक बीमारी से। तो आपको सुसाइड के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। अकेले अमेरिका में सन 1997 ईस्वी में सन 1997 में 30,000 लोगों ने अपनी जान स्वयं ले ली थी वो सन 1997 में। और 5,00,000 लोग तो आत्महत्या करने का प्रयास करते वक्त उनको एक निजी जो आपातकालीन सेवा थी उसको दिया गया, तो उनसे उनकी जानों की रक्षा हो पाई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह काफ़ी घातक और खतरनाक बीमारी है जिससे। और यदि भारत की बात करें तो भारत में भी यह समस्याएं कम नहीं हुई हैं, जो आए दिन में भारत में भी 300 से ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं सुसाइड कर रहे हैं। तो जो भारत का जो शहर है बंगलोर शहर, उसे तो आत्महत्या सुसाइड यानी कि सुसाइड की राजधानी उसे कहा जाता है। वहाँ पर प्रतिवर्ष एक शहर जो है बंगलोर शहर जो है वहाँ तो वहाँ मृत्यु की संख्या लगभग एक वर्ष में 1,000 से ज़्यादा 1,500 के करीब पास पहुँचती रहती है, जो आत्महत्या का आंकड़ा देखा गया। तो अब बातें करेंगे कि सुसाइड का आशय। सुसाइड का आशय मतलब जब व्यक्ति स्वयं अपनी मृत्यु का जिम्मेदार होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी जान स्वयं ले लेता है तो उसे सुसाइड कहते हैं। या व्यक्ति मतलब कभी कभी व्यक्ति का एक समस्या इस तरीके सामने आ जाती है कि जब वह उस समस्या से उभरने के लिए अपने आप को असक्षम मानने लगता है, वह समस्या से उभरने के लिए उसका कोई रास्ता ही नहीं दिखाई देता है, तो वह ये रास्ता चुनने का प्रयास करता है जो आखिरी रास्ता उसका दिखाई देता है, सुसाइड। क्या अब सुसाइड के कुछ लक्षण या संकेत के बारे में बात करेंगे। तो क्या व्यक्ति के कुछ ऐसा संकेत दिखाई देता है जो वह सुसाइड करने वाला होता है? तो जी हाँ, आज तो उसकी पहली हेडिंग देख लेते हैं। उसके लक्षण में है अन्य लोगों से दूर रहना। जब कोई व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है तो वह अन्य लोगों से दूर रहने लगता है, तो इसका यह आशय होता है कि वह उसे व्यक्ति पसंद नहीं आता है, उससे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो समझ लीजिए वह कोई ना कोई चिंता से या कोई बात से ग्रसित है। तो ये रहा कि वह अन्य लोगों से भागे भागे फिरा रहता है, तो उससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वो उसके बाद में उसके मन में कुछ कोई ना कोई बातें चल रही होंगी, तो वह अन्य लोगों से दूर भाग कर रहता है। तो दूसरा है, दूसरी बातें करेंगे कि मनोदशा में अचानक उतार चढ़ाव। मनोदशा में उतार चढ़ाव जो उसका दिमागी जो संतुलन होता है उसके अंदर कुछ ऐसा संकेत दिखाई देने लगता है कि उसके मानसिक में थोड़ी बहुत जरूर उतार चढ़ाव की भावनाएं उत्पन्न आती हैं, जिससे भी एक ठीक संकेत नहीं होता है या भी एक खतरनाक ही संकेत होता है, जिससे आपको उस व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए या फिर उसको उस समस्या का समाधान करने के लिए उसके
उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो तीसरी बातें करेंगे इसकी, जो लक्षण तीसरा लक्षण है, तीसरा लक्षण है कि बातचीत में परिवर्तन। व्यक्ति का जब बातचीत में कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगता है, जो कभी जो जिस तरीके से वह बात नहीं करता है, वह उस तरीके से जब बात करने लगता है, तो समझ लीजिए कि यह भी एक लक्षण दिखाई देने लगता है कि बातचीत में उसको परिवर्तन जब हो जाता है तो तीसरा, बातचीत में जब परिवर्तन हो जाता है तो यह भी संकेत सही नहीं होता है, तो यह भी आत्महत्या का यह संकेत होता है। तो चौथी बात करेंगे कि नंबर चार लक्षण में नंबर चार कि वह जो अपनी प्रिय वस्तुओं के प्रति जो जिसके उसका लगाव रहता है, जिससे वह आकर्षित रहता है, उसके प्रति जब अनाकर्षित होने लगता है, जब कोई उसके लिए प्यारी वस्तु जो उसको मायने देती है, तो जब उसके बाद जब देखता जब उसको देख करके उस वस्तु के प्रति उसका अनाकर्षित जब होने लगता है, तो ये रहा चौथा, प्रिय वस्तु के प्रति अनाकर्षण। प्रिय वस्तु के प्रति अनाकर्षण, वह अनाकर्षण जाहिर करने लगता है प्रिय वस्तु के प्रति। अब पांचवी बात करेंगे, पांचवें लक्षण के बारे में, तो पांचवा है निराशा, निसहायता का अनुभव। निराशा जाहिर करने लगता है, जब निसहायता का जब लक्षण दिखाई लगने लगता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को यह महसूस करने लगता है कि अब हमारा कोई नहीं रह गया है लगता है, तो यह भी जानिए कि उसके अंदर की यह भी लक्षण सही नहीं दिखाई देते हैं या अच्छे नहीं हैं ये लक्षण। तो इससे पांचवा है कि निस्सहायता का अनुभव करने लगता है वह। तो छठवीं की बात करेंगे, वो जोखिमपूर्ण कार्य करता है, जोखिमपूर्ण, कोई खतरा भरा कार्य होता है तो उसमें भी करने से वह घबराता नहीं है, वह खुद जैसे मतलब यदि यह लक्षण दिखाई देने लगता है किसी व्यक्ति में कि वह बाइक को एक नियंत्रण से काफ़ी तेज चलाने लगता है, तो इसको समझ लीजिए कि उसके लक्षण खराब हैं, या फिर ये आत्महत्या के लक्षण भी हो सकते हैं कि वह जानबूझकर यदि कोई मतलब खतरनाक कार्य में जा रहा है, तो यह भी एक जोखिमपूर्ण कार्य कर रहा है, तो यह भी एक आत्महत्या का लक्षण ही है। तो अब बातें करेंगे सातवें की, सातवां है मादक पदार्थ, मादक पदार्थ से लगाव। जब मादक पदार्थ से कोई व्यक्ति ज़्यादा लगाव रखने लगता है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं और उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर आत्महत्या का कोई ना कोई लक्षण जरूर होगा, जो वह मादक पदार्थों से इतना लगाव रखने लगता है कि एक समस्या आती है उसके लिए, वह समस्या जरूर कोई ना कोई होती होगी, तभी वह मादक पदार्थों से लगाव रखता है। इससे भी आप स्पष्ट होता है कि आत्महत्या का यह भी एक लक्षण है। तो अब बातें करेंगे कि आठवें की, तो आठवें है कि बार बार मरने की बातें सोचना। हाँ, बार बार मरने की बातें सोचना। बार बार मरने की बातें सोचने से तात्पर्य है कि वह कोई व्यक्ति इतना जटिल समस्या से ग्रसित हो जाता है कि वह मरने के अलावा उसको कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो यह भी एक आत्महत्या का संकेत है कि वह कोई व्यक्ति जब अपनी समस्या से इस प्रकार घिर जाता है, तो वह बार बार मरने की बातें सोचता है। तो अब नौवीं की बात करते हैं, जो अंतिम है, अंतिम संकेत है कि आत्महत्या की धमकी देना। नौवां है
आत्महत्या की धमकी देना। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या की धमकी देता है तो उसका लक्षण दिखाई देने लगता है कि वह आत्महत्या करने वाला है, कुछ इस तरीके से धमकी देने लगता है। तो ये रहा आत्महत्या के।